Welcome you friend in this video we are going to discuss about disease of tea and coffee we will discuss blister blight of tea and coffee rust so let's get started blister blight of tea this is caused by Exobasidium vaccines symptom pale green to pink colored small spots appear on the young leaves. Spots are sunken from upper side and raised from lower side. Sunken from like this. Sunken from upper side and raised from lower side hence it is called blister infected leaves get curled and deformed blisters appear in young leaves and tender suits, which result in breaking at the point of infection generally 50 blisters per leaves appear and these blisters coalesce to each other and form bigger blisters ये जो सिम्टम दिख रहा है ये है ब्लिस्टर्स ये नीचे वाला पोर्शन है ये उभरे हुए दिख रहे हैं अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे सनकन दिखाई देगा कमिंग टू इथियोलॉजी ये जो फंगस है इट बिलोंग टू सब डिविजन बेसिडियोमाइकोटिना जो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है मतलब इसका कोई कोलेट्रल होस्ट नहीं होता है और ना ही ये वीड होस्ट में इन्फेक्शन करता है ये ओनली एंड ओनली टी में ही इन्फेक्शन करता है इसका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेड ब्रांच्ड एंड हाईलाइन होता है इसमें बेसिडियोस्पोर बनते हैं ये जो बेसिडियोस्पोर हैं वो बडिंग के द्वारा और स्पोर बनाते हैं जिसे ब्लास्टोस्पोर कहते हैं ये जो दिख रहा है ये बेसिडियम है बेसिडियम में मियोसिस होती है म्योसिस के बाद ये बेसिडियोस्पोर बनते हैं तो इसका जो बेसिडियोस्पोर है वो कर्व होता है स्लाइटली कर्व होता है और सेप्टेट होता है कमिंग टू डिजीज साइकिल पैथोजन सर्वाइव इन पेरिनियल होस्ट एज बेसिडियोस्पोर तो जो बेसिडियोस्पोर है वो पेरिनियल होस्ट में सर्वाइव कर रहा है उसके बाद बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होगा और प्राइमरी माइसिलियम बनाता है तो ऐसे ही दो प्राइमरी माइसिलियम आपस में मिलते हैं और सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं ये सेकेंडरी माइसीलियम लिप्स में या टेंडर सूट्स में इन्फेक्शन करते हैं सिम्टम डेवलप होता है और फिर से ये बेसिडियोस्पोर बनाते हैं ये जो बेसिडियोस्पोर है वो विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू फिर से किसी दूसरे प्लांट्स में जाता है और इन्फेक्शन करता है तो इस प्रकार से इसका डिजीज साइकिल है इपिडम्योलॉजी कूल एंड ह्यूमिड वेदर Rainy days and more than 80% relative humidity. Management removal of infected plant debris, removal of infected soot, spray copper fungicide, and frequent picking of young leaves and bud reduce the chance of infection. To download PDF files, please scan this QR code. डाउनलोड लिंक इज आल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो अब आते हैं कॉफी रस्ट में यह जो दिखाई दे रहा है सिम्टम यह कॉफी रस्ट का है इसमें ऑरेंज कलर के पुस्टूल्स बनते हैं दिस इज कॉज्ड बाई हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स सिम्टम ऑरेंज कलर्ड स्मॉल पुस्टूल्स अपियर ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड रेयरली ऑन द बेरीज इन इनसीवियर इन्फेक्शन इंटायर लीफ लेमिना टर्न टू ब्राउन इट कॉज प्री मेच्योर डिफोलियेशन एंड बेरीज डो नॉट ट्राइपन पहले लाइट येलो कलर के पोस्टल्स आते हैं उनका कलर चेंज होता है और साइज बढ़ता है फिर ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं और बाद में ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं सो ऐसी पोस्टुल्स एक लिप में बहुत सारे आते हैं जिसके कारण से क्या होता है पौधे का जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो कम हो जाता है और जो बेरी है वो डेवलप नहीं होता है कमिंग टू इथियोलॉजी ये जो फंगस है वो सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना को बिलोंग करता है मतलब ये एक हायर फंगस है इसका जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच्ड हाईलाइन और सेप्टेट होता है इसमें यूरडोस्पोर टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर बनते हैं टीलियोसपोर का कोई रोल नहीं होता है डिजीज डेवलपमेंट में और जो बेसिडियोस्पोर है उसका रोल क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है तो जो डिजीज़ है वो केवल यूरिडोसपोर से ही होता है और इसी से सर्वाइव करेगा और इसी से ही स्प्रेड होता है इसका जो यूरिडोसपोर है वो रेनीफॉम होता है ऐसे और ये जो ऑरेंज का सेगमेंट होता है वैसा दिखाई देता है इसका जो टिलियोस्पोर होता है वो टर्निप सेप का होता है ये ये जो दिख रहा है ये है यूरोडोस्पोर कमिंग टू डिजीज साइकल पिकनिया एंड एशिया आर नॉट नोन इसका जो पिकनीडिया है और एशिया है ये कहां बनते हैं कैसे बनते हैं ये नहीं पता तो ये जो, जो डिजीज है वो यूरोडोस्पोर के फॉर्म में जो पेरिनियल होस्ट है उसमें सर्वाइव करता है फिर यह में लोअर सरफेस में इन्फेक्शन करता है तो जो इन्फेक्शन होता है वो लोअर सरफेस से स्टार्ट होता है सिम्टम डेवलप होता है उसके बाद यह फंगस लोअर सरफेस में इंटर करेगा अंदर में मल्टीप्लाई होगा और जो यूरेडिया है वो ऊपर सरफेस में अपर सरफेस में बनता है फिर ऊपरी सरफेस से यूरोडोसपोर बाहर आते हैं और रेन के थ्रू या विंड के थ्रू ये दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और फिर से इन्फेक्शन करते हैं तो इस प्रकार से इसका डिजीज साइकिल चलते रहता है ये देखिए ये जो यूरोडोसपोर है ये लोअर सरफेस में इन्फेक्शन कर रहा है यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके सेल्स में पौधे के फिर सिम्टम डेवलप हो रहा है फिर इपिडेमियोलॉजी फिफ्टीन टू ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर Presence of free water, cool and humid climate. Coming to management, we should adopt integrated disease management practice like application of nitrogen and phosphorus fertilizer, application of micronutrient, spray copper fungicide, grow resistant variety, and application of hyperparasite verticillium hamili. इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच अदर वीडियोज क्लिक द लिंक